नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का एक गांव है शेरपुर कल्याण, जहां पर हम मौजूद हैं और यहां पर कुछ किसानों से बातचीत करने वाले हैं जो बिलाई मिल के किसान हैं। बिलाई मिल को लेकर किसानों के अंदर काफ़ी भ्रांति फैली हुई है। आप लोग लगातार वीडियो भी देख रहे होंगे, जो किसान हैं अपने गाँव में गन्ना सेंटर जो तोल कांटा है उसको नहीं लगने दिया जा रहा है। तो आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं, तो आप वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिए। यहाँ के किसानों की क्या राय है वो अभी किसानों से हम जानने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजब सिंह। अजब सिंह, जैसा अभी हम देख रहे हैं बिलाई मिल का काफ़ी विरोध कर रहे हैं किसान, गांव-गांव में गन्ने के जो सेंटर हैं वो नहीं लगने दिए जा रहे हैं, तो आपके गांव में क्या माहौल बना हुआ है? लगने दिया गया सेंटर या नहीं? मिल भी अभी हाल ही में शुरू होने वाला है। देखो, सेंटर तो एक लग गया बिलाई का ही। अच्छा। मांग भी चल रही है दूसरे मिल की जी। हाँ, अब विरोध तो पूरे गाँव में ही। जब विरोध हो तो लगने कैसे दिया गया ये समझ में नहीं। लगने तो ऐसे दिया गया क्योंकि कभी 15 तारीख बता रहे थे, कभी 20 बता रहे थे, कभी 25 बता रहे थे, अरे इसमें आ रहा सेंटर। अब जब होक्का नहीं आ रहा तो कल इन्होंने लगा दिया। अब जब दूसरे मिल का आ जाएगा तो इसे उठा कर वापस कर देंगे। मैं भैया हमारा तो आ रहा अभी, मतलब उम्मीद है कि किसी दूसरे सेंटर, मतलब दूसरा सेंटर आ सकता है किसी दूसरे मिल का। अभी उम्मीद। कौन से मिल का सोच रहे हैं आपके, किसका आना चाहिए आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो धामपुर का आ जाओ या चांगीपुर का आ जाओ। अच्छा। हाँ, इसकी मांग चल रही है हमारी। तो इससे क्यों नफरत हो गया? जो पैसे ना देता। देखो, ये पेमेंट तो देता नहीं कभी, बिल्कुल झूठ बोलते हैं अधिकारी। कभी लोग कहते हैं ना 15 तारीख मारिया, कभी कहते हैं 20 मारिया। अभी एक दिन कह रहे थे 24 तारीख में 85% आ जाएगा। तो हमें तो उम्मीद है नहीं कि 24 में 85% दे दें। तो किसान को तो पैसे की जरूरत हो। अगर जो यही सेंटर रहा तो फिर तो मजबूरी होगी आपकी, इसे ही देना पड़ेगा या फिर क्या करोगे, कोई आंदोलन पर उतारू हो जाओ? भाई फिर तो मजबूरी आ जाएगी। जब मान लो तो कोई नहीं मिलेगा तो खेत में तो खड़ा नहीं रखते जी। ये तो काट कर घेरना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जी। बाकी इसने कर दिया था, परेशान हो गए मतलब इससे। परेशान हमारे गाँव में इतना बुखार चला है कि कम से कम 1 लाख रुपए एक आदमी पर लग गया। अच्छा। पता नहीं किन किन स्रोतों से लोगों ने खर्च करके अपनी जान बचाई है, पर ये सब वो नहीं आया कहते, बिल्कुल इस पर असर ही नहीं पड़ा। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चों की फीस, दूसरे और भी खर्चे, भाई डीजल का भी खर्च, पेट्रोल का भी खर्च, दुनिया भर के खर्च। लेकिन जब पैसे नहीं देता तो क्या कर रहे हैं, तो मजबूरी आ रही है। ब्याह शादी कर रहे हैं लोग, जाना कैसे कैसे टाने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मलबीर सिंह। तो क्या दिक्कत हो रही है इससे सेंटर से? तुम कौन से सर? बिलाई मिल से। ये हो रही जो पैसे नहीं दे रहे। पैसे ना दे रहा? हाँ। तो फिर भी लगवा लिया सेंटर? हाँ, सेंटर तो फिर भी लग गया। जबरदस्ती लगा रहे हैं। जबरदस्ती लगा रहे हैं। हाँ। आपका क्या नाम? विजय पाल सिंह। तो जैसे सेंटर के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ आपके गांव में, तो इससे कोई परेशानी नहीं है आपको? परेशानी तो सारी आ रही साहब, दिक्कत आ रही थी। पेमेंट तो मिलता ही नहीं, मिलता बिलाई का। अब पढ़ाई की भी दिक्कत है, सभी दिक्कत आ रही। ज्यादा बच्चों का खेल चल रहा है, इसमें परेशानी आ जाती। पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, सेंटर तो लग गया आपके गाँव में। सर, मुझे मजबूरी तो लगाते था ही, क्या करो फिर। आपने सुना भी होगा, और जो गांव हो, कई गांव हो, मैं नाम तो नहीं गिनवा सकता, जिन्होंने सेंटर उखाड़ दिया, जो कांटा लगा था उसको उखाड़ दिया गया। तो आपके गांव में ऐसा हुआ या नहीं? परसों ही लगा। परसों ही लगा जी। तो भी विचार चल रहा है कि हो सकता है ऐसा? हाँ, सोच रहे हैं कि चांगीपुर का मिल जाए। चांगीपुर का ऐसा नहीं चाह रहे। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? हरपाल सिंह। तो क्या सोच रहा है, बिलाई को ही देना करना या और किसी मिल को? हम तो साहब तंग आ गए, क्यों पैसा देता नहीं? कार्य सिर पर आ लिया, पैसा है नहीं, बताओ कैसे करेगा किसान, क्या करेगा? तो बीमारी इतनी चल रही है, सबको पता भाई, बुखार। तो मिल तो शुरू होने वाला और सेंटर बिगड़ गया। सेंटर तो गड़ गया, पर यो सोच रहे हैं कि चलिए दूसरा भी आ सके। अभी टाइम है थोड़ा सा। कहीं कर रखी है आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दे रखी? हाँ, सब कागज पहुँचा रखे हैं। पहुँचा रखे हैं कागज। अच्छा, तो अभी आपको उम्मीद है कि दूसरा सेंटर आ सकता है आपके गांव में। आपका क्या नाम है जी? चंद्रपाल सिंह। तो आपका गन्ना भी बिलाई में जा? बिलाई जगता जी, बिलाई जगता है। पेमेंट कितना हो गया पिछले? पेमेंट तो हमारा बिल्कुल 15 फरवरी। अजी 15 फरवरी हुआ अभी, तो 15 फरवरी तक का हुआ अभी आपका। तो उससे क्या समस्या हुई आपको? वो तो एडवांस पड़े हैं आपके? एडवांस नहीं पड़े, दो रुपए से परेशान हो रहे हैं। अच्छा, घर में बीमारी है, खर्चा नहीं उठ रहा हमसे। खर्चा नहीं उठ रहा। अच्छा, और कुछ मतलब हमने जो एप्लीकेशन वगैरह दी, बाकी उनका हम पर कोई जवाब नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, जो कोई जवाब नहीं आ रहा, मतलब इससे तंग आ चुके हैं आप लोग? घने तंग आ गए।
और ये किसान यूनियन जैसा धरना दे के बैठ जाए, इनके बारे में भी कुछ कहना चाहोगे आप? ये आपकी हितैषी हैं या मिल वालों की? नहीं, हितैषी हमारे भी हैं, पर कुछ हितैषी पक्षपात भी करते हैं। पक्षपात भी करते? हाँ, करते हैं। अच्छा, मतलब निष्पक्ष तौर से वो आप लोग हमारे साथ नहीं? निष्पक्ष तौर से हमारे साथ नहीं है। आपका क्या नाम? मनोज कुमार। तो मनोज जी, क्या लग रहा है आपको कि गांव वालों का सेंटर बदला जा सकता है आपके, या इस पे ही देना पड़ेगा? देखो जी, हमारे गांव वाले तो कोशिश कर रहे हैं साहब, लखनऊ तक भी गए। अच्छा। हाँ, आप देखो ऊपर से जैसे भी आएगा, अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा। हाँ, और नहीं मिलने का तो मजबूरी साहब, फिर तो मजबूरी देना ही पड़ेगा। अजी, देना पड़ेगा या कुल्लू पर डाल लेंगे, और क्या करेंगे बताओ? जब कहीं कोई समाधान नहीं होने का तो और क्या करें भाई? बच्चों की फीस भी हर साल देनी हो, दवाई भी रही, कपड़े लत्ते भी रहे, अब परेशान ही है इससे। और ब्याह शादी वाले तो बिल्कुल ही परेशान है साहब। तो ये परेशानी इस बार ही थोड़ा ही है आप लोगों के सामने? ये तो जब से मील लगा यहाँ तब से ही है, या शुरू में सही पेमेंट कर रहा था? बस शुरू में सही क्या करता, कर तो ऐसे ही दिया साहब, दो दो साल का रोक का, पर यो जब लो चल रहा था वो तुम्हें पता, आक्रोश जब बढ़ के करो, अब देश में जब होया था तो एकदम तो आज़ाद होया नहीं था, तो धीरे धीरे जो आक्रोश पनप रहा इसके खिलाफ भी। हाँ, बस जैसे आप लोगों का मन भर चुका है कि गन्ना तो किसी को भी दे देंगे, लेकिन इसे देने का मन नहीं। हाँ, इसे देने का मन नहीं साहब, कह जो कोल्लू पे डाल दें, कोल्लू पे डाल के पैसा तो आ जाएगा हमारे पास। आप क्या नाम सर? मेरा नाम सुनील है भैया। गन्ना कहाँ बेचते हो आप? गन्ना है बिलाई। बिलाई? पेमेंट सही हो जाए? पेमेंट ना होता। क्यों? ना पेमेंट का कोई काम ना है। तो गन्ना तो हर साल दे रहे हैं आप? गन्ना ही तो देना पड़ा, गन्ना घर थोड़ा ही रखा जाए। अच्छा, तो सेंटर लग गया आपके गाँव में? सेंटर लग गया। हाँ, तो इसे ही दोगे फिर इस बार भी? भाई इस बार क्या भैया, जब दूसरा सेंटर ना आने का तो फिर तो गिरना तो पड़ेगा ही। गिरना पड़ेगा ही। कोशिश करी बदलवाने की या इसे ही देना? ऊपरी मन से ही कोशिश आपकी? ऊपरी मन से ना, जब दूसरी मिल जाएगी तो ना देने के। अच्छा। हाँ, ठीक है जी, ठीक है। राम राम जी। राम। आप क्या नाम सर? मेरा नाम राहुल है जी। तो राहुल जी, गन्ना कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तक तो बिलाई पे जा रही है जी। बिलाई को? और इस बार? इस बार कांटा तो गट गया, पर इच्छा बिलाई को देने की नहीं है। तो कांटा किसने गड़वा लिया? वो आपके गांव की जमीन होगी या और किसी की? जमीन तो हमारे गांव की। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों ने मतलब विरोध किया या? विरोध किया। हाँ, फिर भी गड़ गया? के लिए भी प्रयास किया। अच्छा। हाँ, तो फिर भी सेंटर गड़ गया? हाँ, फिर सेंटर तो गड़ गया, लेकिन प्रयास दूसरे के लिए भी, हम जो चाहते हैं कि दूसरा ही मिल जाए, हम इसे गन्ना नहीं देना चाहते। हाँ, इससे भर चुके हो मतलब आपका? हाँ जी, घटिया आदमी है ये लाला, जो घटिया है। पहले गन्ना बेचते हैं, फिर धरना देना पड़ता है आप लोगों को? अब हमारा ही पैसा हमें नहीं मिलता जी, हमारा ही पैसा हमें नहीं मिलता, टाइम पर नहीं मिलता जी। उसके लिए भी डंडे खाएंगे अगर धरना देंगे तो, अपने ही पैसे के लिए डंडे खाने पड़ रहे हैं। राम राम जी। क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह। तो महिपाल जी, ये बताओ, जो किसान धरना देते हैं बिलाई मिल पर, उससे कुछ समाधान हो भी जाता आप लोगों का या नहीं हो पाता? हो जा है, बगैर धरने के तो दिए ही ना, 9-10 साल से इस पर धरना लग गया। जब धरना लग जाए तो कुछ देते, ना लगता तो ना देखता। अच्छा। हाँ, तो इस बार कहाँ दे रहे हैं गन्ना? इस बार गन्ना तो दूसरे मिलों की मांग कर रहे हैं, लखनऊ तक हमारे आदमी गए हुए हैं, कमिश्नर तक मिल गए हैं दो बारी। अच्छा। हाँ, तो क्या क्या बात रही है आप लोगों की? चांगीपुर के मिल की या धामपुर के मिल की मांग कर रहे हैं, धामपुर का दे, शिवा का दे, चांगीपुर का दे, इससे पीछा छुड़ा दे वो। अच्छा। उन्होंने तो 10-20 दिन के बाद, मिल बंद होने के बाद फुल पेमेंट कर दिया, धामपुर ने भी, शिवाले ने भी, बकरारपुर ने और सब ने, बस बिलाई मिल नहीं देता यो। अच्छा। ना तो यो योगी की सुना। अच्छा। ना यो मोदी की सुना। अच्छा। 14 मील चल रही इसकी। अच्छा। यो सरकार की भी ना सुन दिया, किसानों की भी ना सुन दिया। अच्छा। आप पर यो चांगीपुर का मिल नया बन गया तो इस पर कुछ दबाव हो रहा, तो कुछ काटते भी पार दिए किसानों ने। आपकी कहाँ तक पहुंची बात, जैसा आप कोशिश कर रहे हो? लखनऊ तक जो कमिश्नर तक जो हमारी दरख्वास्त पहुंची हुई है जी, दूसरा गन्ना लाने के लिए, सेंटर लाने के लिए। अच्छा। हाँ, और उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है कि सेंटर इसका बदल दूंगा, सेंटर बदल। हाँ, हल्लौर सोसाइटी के बाद सेंटर की मांग। अच्छा अच्छा। चांगीपुर की हो रही से। तो आप लोगों को उम्मीद है कि बदला जा सकता है आप लोगों? हाँ, उम्मीद तो पूरी है। अच्छा। अगर सरकार न जो पेमेंट दिवा दिया तो जो हो कुछ पैसा दे दिया बता भाई सर। अगर किसी वजह से नहीं बदला जाता तो फिर तो मजबूरी होगी, देना पड़ेगा बिलाई मिल को। मजबूरी कोठी में तो भरा ना जाने का, ना बदला जाने का, कुछ अपना कुछ पर भी गिरेंगे, जो हो पाप रूप भी गिरेंगे, जो भी पैसा नहीं देता हम। अच्छा। आज हमें दवाई के लिए एक जरूरत है, गांव में पूरे गांव में बुखार इसका दर चला, एक आदमी के जो एक लाख रुपए दर्द, जिसके एक आदमी को आ गया सब परिवार को आ गया, ₹1,00,000 लगे पड़े। इन बेटी चोर ना किसी को जो है ₹1,000 भी नहीं दिए, एक आदमी हमारे परिवार का मरा। अच्छा। उसके लिए पेमेंट के लिए हम गए तो उन्होंने कहा 2 महीने का उसे देंगे 75%,
अब यही तो आदमी मर रहा है बीमारी में, अरे हमारा पैसा भी नहीं दे दिया। हाँ जैसे धरने चले गए आपका भी धरना? हाँ धरने में खूब गए हम, बैठे हुए। हाँ बैठे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुखबीर सिंह है। तो कहाँ दे रहे हैं गन्ना? गन्ना बिलाई में बिकता हमारा तो। और आपका कहाँ दे रहे हैं? आपका तो ये है कि मान लिया अगर सेंटर कहीं और कहा जाए, इससे तो बस भगवान पीछे छुटा दे तो सकून। अच्छा इससे मतलब मन भर गया? अजी मन भर गया, पेमेंट देता है ना। नवंबर में फैक्ट्री चली थी और नवंबर ही आ गया, तीन महीने का पेमेंट दिया। क्या पेमेंट दिया इसने ये बताओ आप? चांगी आपका कौन सा मिल जा रहा है? आपका चांगीपुर मिल जाओ, धामपुर मिल जाओ तो ठीक है, सबसे बढ़िया है। कुछ पेमेंट का तो आश्वासन उस जगह में थोड़ा सा एक जी। हाँ मतलब इस देना नहीं चाह रहे? इसे देना नहीं चाह रहे जी, बिल्कुल जी। हाँ राम राम जी। राम राम जी। हाँ मतलब कैसे बैठे हो? सुस्त? तबीयत सही है? हाँ बिल्कुल सही सही है। हाँ बुखार हो गया था भैया। अच्छा बुखार हो गया था? हाँ तो सही हो गए अब? सही है। हाँ डेंगू तो ना हो गया था? डेंगू ऐसा ही हो जाता थोड़ा सा ही। तो इसमें भी बिलाई मील की कमी? हाँ इसमें भी जब पैसे नहीं दिए भाई इसी बात में, तो इसमें तो कमी है। पैसे देते हो डेंगू कम होता थोड़ा सा, और उपचार कराते बढ़िया वाले डॉक्टर था। हाँ बताओ। अच्छा अच्छा तो क्या सोच रहे हैं गन्ना कहाँ दे रहे हैं इस बार? गन्ना तो भाई देखो जैसे सेंटर में लग गया तो ये तो जबरदस्ती का लग रहा, और जो हो सके तो भाई कहीं का मिल गया तो उसे देने लगेंगे। अच्छा हाँ अली तो भैया इसे तो देना ही पड़ेगा। कई गाँव के लोगों ने तो उखाड़ के फेंक दिए काटे। और उखाड़ दिए तो ये भी मतलब जब मिल जाए तो इसे भी उखाड़ देंगे। अच्छा हाँ जब मिल जाएगा तो इसे भी उखाड़ देंगे, और जो ना मिला तो भैया तो रखना ही पड़ेगा, तो फिर तो देना ही देना। देना ही देना फिर तो। हाँ अच्छा। बताओ। ठीक ठीक है जी, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमने किसानों से बातचीत की, जो बातचीत हुई आप लोगों तक पहुँच गई है। बने रहिए बिजनौर टीवी के साथ, मिलते हैं जल्दी नया अपडेट लेकर नए वीडियो में। जय हिंद।